Nathan. हेलो नितिन, नितिन एक मिला। ग्रिप्सन फ्लडलाइट्स स्टार्ट करें, फ्लडलाइट्स दिलीप भाई फ्लडलाइट्स को शुरू कर दें। हेलो, एक ओवर सिक्स रन्स, वन ओवर सिक्स रन्स। विशाल बैटिंग करते हुए, हेलो योगेश गोलंदाजी की कमान संभालते हुए, विशाल बैटिंग करते हुए, बहुत सुंदर शॉट पर एक ही रन मिलेगा। बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण। तुषार द्वारा बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण, अपने टीम के लिए तीन रन बचाए उन्होंने। हेलो, सभी कप्तानों को कूपन्स दे दिए हैं। प्लेयर्स अपने कप्तानों से कूपन्स लीजिए और यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे का लुत्फ उठाइए। और ये बढ़िया शॉट सरफराज द्वारा। हेलो हेलो बोलना। और ये स्ट्राइक पे है विशाल भाई, बॉलिंग करेंगे योगेश भाई। अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा शॉट। और विशाल के खाते में चार रन। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हुए पहुंचा है 12 बिना किसी नुकसान के। तीन गेंदे शेष, दूसरे ओवर का तीन गेंदे शेष। और एक बहुत सुंदर टैप शॉट विशाल भाई की तरह। अब स्ट्राइक लेंगे सरफराज। चार गेंदे हो चुकी है। योगेश बॉलिंग डालते हुए बहुत ही सुंदर ग्राउंड को टच होते हुए शॉट मारा है। एक रन के लिए। योगेश की अगली गेंद, विशाल ने एक रन मार दिया है। इसी के साथ टीम का स्कोर होता है 15, दो ओवर बिना किसी नुकसान के। स्कोर रन 15। एलन
अब गोलंदाजी की कमान संभालते हुए ऑल स्टार टीम की तरफ से सरफराज बैटिंग करते हुए एलन की पहली गेंद सरफराज स्ट्राइक पे और ये सुंदर शॉट एक रन स्कोर हुआ है 16। पांच गेंदें शेष तीसरी ओवर की। एलन की तरफ से अगली गेंद विशाल ऑन स्ट्राइक बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण तुषार द्वारा एक रन मिलेगा। स्कोर क्या है? एलन बॉलिंग करते हुए बहुत ही अच्छा शॉट बहुत ही अच्छी फील्डिंग अंकित भाई दो बॉल तीन बॉल अटर्न अरे खारे चालू करना तू आओ ना जल्दी तू आना इधर एलन द्वारा अरे बहुत ही सुंदर फटका चार रन विशाल द्वारा स्कोर होता हुआ 22। चार गेंदे दो गेंदे शेष है पांच बॉल की समाप्ति पर 23 रन स्कोर दो ओवर पांच ओवर चार रन कोई गुंजाइश नहीं एक शानदार चौका सरफा द्वारा और इसी के साथ स्कोर हुआ है 27 रन तीन ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के। बल्लेबाजी भी विशाल उन्होंने सरफा तीस चौथी ओवर की पहली गेंद खान भाई की पहला और इसी के बाद विशाल ने अपना विकेट खो दिया। खान भाई की गेंद एलन ने कैच किया और इसी के बाद विशाल जी का विकेट सभी कप्तानों को स्नैक्स का कूपन दिया गया है। सारे टीम प्लेयर्स से निवेदन है कि अपने कप्तानों को संपर्क कीजिए स्नैक्स का कूपन लीजिए और जहां पे कमेंट्री बॉक्स है वहां पे आकर अपना स्नैक्स ले जाएं। खान भाई की दूसरी गेंद चौथी ओवर हर्षदीप एक रन लेने में कामयाब सरफा स्ट्राइक पे नो बॉल
सॉरी डॉट बॉल चार रन शानदार चौका सरफराज द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। चलिए अब एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस BCL सीजन 7 में। सरफराज क्या आती सी पारी खेलते हुए इस बार कान के गेंद को खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया। मिड अप पे फील्डर बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। एक समय लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल जाएगी लेकिन अब बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। एक रन मिला और एक रन के साथ इस समय रन संख्या पहुंच चुकी है 33 पे 33 पे। आखिरी गेंद चार ओवरों का मुकाबला आखिरी गेंद 3.5 ओवर का खेल हुआ है। इस गेंद पे कितने रन आएंगे? असद खान गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार बैकफुट पे जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को खेला मिडऑफ के क्षेत्र में सिंगल मिला दूसरे रन की मांग रन आउट का खतरा रन आउट हो जाएंगे। यस नितिन जी का इशारा बहुत अच्छा। एक हाथ से दो एक हाथ से लो एक अंगूठा नीचे अंगुली ऊपर इशारा कितना अच्छा है। जैसे लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हों तांडव करने वाले हों। एक पैर पे खड़े हो गए हैं हिमालय के पर्वत पर और डमरू एक हाथ में और त्रिशूल भी उठाने वाले हों। वाह हर हर महादेव। 34 हुआ है स्कोर और 35 का लक्ष्य 35। ऑल स्टार्स वर्सेस गेम्स यंगर्स के बीच ये मुकाबला। फर्स्ट क्वालिफायर ये मुकाबला है और जो टीम जीतेगी वो तो डायरेक्ट फाइनल में पहुंचेगी। जो हारेगी उसके लिए एक चांस बनता है क्योंकि सेकंड जो एलिमिनेटर होता है उसके साथ भिड़ने का एक मौका मिलता है। लेकिन हर टीम यहाँ पर उमेश भाई यही चाहेगी कि इस मैच को यहीं पे समाप्त कर लिया जाए। फाइनल के दरवाजे को यहीं पर खोल नहीं दिया जाए बल्कि तोड़ करके उसमें प्रवेश कर लिया जाए। अंकिता टीम के कैप्टन टीम के कर्णधार टीम के नायक और उनके साथी तुषार ना निश्चय करें पे। दर्शकों की संख्या जबरदस्त है ग्राउंड के चारों तरफ और लोग लुत्फ उठा रहे हैं और हम लोग भी लुत्फ उठा रहे थे समोसे का और जबरदस्त ये स्वाद था समोसे का। सोलंकी स्पिट्स एंड फरसाण का समोसा गर्मा गर्म खा करके हम लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को ऊर्जान्वित समझ रहे हैं। एनर्जी आई है 35 टू विन 35 रनों का लक्ष्य। सोलंकी स्वीट्स एंड फरसाण सर क्या नाम है आपका? नहीं मैं यहाँ का राहुल जाधव जी। समोसा तो आपने बहुत बेहतरीन खिलाया और कौन कौन सी मिठाई आपके यहाँ स्पेशली बनती है? सोलंकी को स्पॉन्सर करके लेके आने वाला हूँ। ओके चलिए सोलंकी के फ्रेंचाइजी हैं जो भी हो सर आपके समोसे लोग खाएं बहुत अच्छा समोसा है अच्छा लगा। जैसे समोसा की बात कर रहा हूँ तो बच्चे देख रहे हैं कि ये जो सीरियल आता है कार्टून शो मोटू पतली वाला वो लोग आ गए क्या यहाँ पे? उसमें रहता है एक एक्टर जिसको कि अगर समोसा मिल जाए तो कोई भी काम कर जाता है। बच्चे जानते हैं उसके बारे में बड़े भी जानते होंगे शायद मे बी। इस मुकाबले की बात करेंगे यहाँ पर दोनों टीमों के लिए एक चांस है कि फाइनल में वो प्रवेश कर जाए। अंकित तुषार की जोड़ी इंजीनियर साहब इस बार चश्मा उतारे जरूर हैं लेकिन पैनी नजर होगी इनकी। पहली ओवर की पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट विशाल की
विशाल की पहली गेंद फ्रंट फुट पे आए, खूबसूरत तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद को खेला था, स्ट्रेट ड्राइव थी, लेकिन वन बाउंस के बाद गेंद को फॉलो थ्रू में गैदर किया विशाल ने। जबरदस्त गेंदबाजी बल्लेबाजी देखने को मिली। दूसरी गेंद पर भी प्रहार होता हुआ, मिड ऑन के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिल जाएगा, नो बॉल नो प्लस वन, नो प्लस वन। फर्स्ट क्वालिफायर का ये मुकाबला, विशाल सामने उनके तुषार। तुषार का ये नेचुरल गेम है कि अंकित आतंक मचाएं और मैं शांति से खड़ा होकर के तमाशबीन की तरह तमाशा देखता रहूं, तालियां बजाता रहूं। विशाल एक बार फिर तैयार होते हुए, राजेश मिडॉप पे है, मिड ऑन पे खुद सरफराज है, सरफराज खान, और इस बीच गेंद को खेल दिया है वाइड स्पीड अप के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा, उछलते हुए गेंद को रोका गया है। दूसरे रन की मांग थी, डाइव लगा करके अपने आप को बचाया वहां पर अंकित, जानते हैं कि उनके विकेट की कीमत कितनी है। तीन गेंद हुई है इस बार, पैरों पे आती गेंद फ्लिक करने की कोशिश, छोटा बच्चा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नाम क्या है? हर्ष। हर्ष का मतलब होता है जो खुश है, जो प्रसन्न है, जो आनंदित है, जो आह्लादित है, जो पुलकित है, उसे कहते हैं वो हर्ष है, हर्षित है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए, लेकिन इस बार फ्रंट फुट पे आकर के मिडॉन के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिलता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी अब पांच पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, 35 रनों का लक्ष्य, 8.75 की औसत से लगभग रन बनाने हैं। हर गेंद पर प्रहार होता हुआ ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 बिना किसी नुकसान के। इस समय ऑल स्टार्स की टीम गेम स्विंगर्स ने उनके सामने लक्ष्य रखा है 35 का, 34 रन बनाए, 8.5 शून्य की औसत से रन बने, लेकिन 8.75 की औसत से रन बनाने हैं यहाँ पे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद करेंट रन रेट जो है वो 6.00 का है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट इस समय 9 के ऊपर का बढ़ चला है। सरफराज कैप्टन टू कैप्टन सरफराज खान, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए फ्रंट फुट पे निकले, फुल टॉस बना करके हाफ वॉली पे लिया, ड्राइव किया था खूबसूरत तरीके से, मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिला, दूसरे रन की मांग थी लेकिन मना किया वहां पर तुषार ने। BCL सीजन 7 का ये मुकाबला चलता हुआ, जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। इस बीच आगे निकले, गेंद को खेला, फर्स्ट प्राइज जो है इस बार रनआउट का खतरा हो सकता था, फर्स्ट प्राइज जो है उसके हमारे स्पॉन्सर एडवोकेट कृष्णा पाटिल, कृष्णा रसाल पाटिल, और स्पॉन्सर हमारे मयूरा ज्वेलर्स सोलंकी स्वीट्स एंड फरसाण वेट एंड ड्राई के मानस दुलेरा के यहाँ पर हेमंत पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। SM एंटरप्राइजेज किचन किचनेट, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। AB किचनेट माफ कीजिएगा, सभी प्लेयर्स के लिए जिनके पास कूपन है हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक बाईं तरफ समोसे का बॉक्स रखा गया है, आप जाकर के समोसा का आनंद लेते रहिए। कृष्णा रसाल पाटिल सर यहां पर आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, फर्स्ट प्राइज की स्पॉन्सरशिप मिली है, सबसे बड़ी बात यह संरक्षक है इस BCL के, इस KPL के, हमेशा साथ इनका मिलता रहता है। एक 1.3 ओवर में 14, अच्छी स्थिति में टीम कही जाएगी। आगे निकले, ड्राइव किया इस बार, और ये 4 रन, कलक शॉट, बेहतरीन शॉट, पतंजलि आटा चप्पल बाटा नमक टाटा, गेंदबाज को बल्लेबाज का जबरदस्त चाटा, 4 रन आता हुआ यहां पे। अठारह पर शून्य, 1.4 ओवर में
दिलकश नजारा, दिलचस्प नजारा। लेकिन सरफराज को, सरफराज कैप्टन है, उनको थोड़ा कूल माइंड से खेलना होगा क्योंकि उन्हें पता है स्कोरबोर्ड पे बहुत सारे रन हैं अभी भी, तो गेंदें उनको डॉट करानी पड़ेगी। विकेट के लिए चाहेंगे तो मार पड़ने वाली है, गेंद डॉट करानी होगी। लेकिन तुषार को धैर्य के साथ खेलना होगा, अपनी टीम ऑल स्टार्स को अगर चैंपियन बनाना है तो अंकित का साथ निभाना होगा। सरफराज और तुषार के बीच का ये मुकाबला हो चला है। इस बीच सीधे बल्ले से खेला, मिड ऑफ के क्षेत्र में रन आउट का खतरा, जोरदार यहां पर अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगाया गया, लेकिन क्वेश्चन मार्क शायद नटराज पेंसिल से लगा था, अंपायर के जेब में इरेजर, नितिन सिंह इरेजर निकाले, क्वेश्चन मार्क को मिटा दिया। एक रन यहां पर मिलता हुआ, 8.75 की औसत से रन बनाने हैं, लेकिन दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 10 की औसत से रन बने हैं। ये ओवर बहुत बड़ा साबित हुआ सर, पिछले ओवर में, पहले ओवर में विशाल ने केवल 6 रन दिया लेकिन सरफराज के ओवर से 14 रन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा ओवर अगर 4-5 रनों का आ गया तो मैच में वापसी हो सकती है, अन्यथा मुश्किल होगी। उसके लिए एक ही काम कर सकते हैं आप, क्या फोकस करें, बॉल टू बॉल एक एक गेंद को डॉट कराने की कोशिश करें, फील्डर हड़बड़ी में ना हो, गड़बड़ी में ना हो, थोड़ा सा साथ निभाएं अपने गेंदबाज का, अपने कैप्टन का। ये तो बात रही गेम स्विंगर्स की, लेकिन अगर बात यहां पर करें ऑल स्टार्स के लिए, तो ऑल स्टार्स के कैप्टन खुद इस समय स्ट्राइकर एंड पे हैं, उनके वरिष्ठ खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी तुषार उनके साथ है स्ट्राइकर एंड पे, तुषार है माफ कीजिएगा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे कैप्टन अंकित सिंह है। तो इनको पता है इनकी रणनीति क्या है, इनकी दोस्ती का, इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप का, ये जो जोड़ है ना फेविकोल से भी मजबूत जोड़ है जो जल्दी टूटता नहीं, और जब ये टूटता नहीं है तो दूसरे को तोड़ डालता है। नितिन अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। राजेश राइट हम राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला गया और रन आउट का ये चांस हो सकता था, ललचाया वहां पर। हर्षदीप है क्या फील्डर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, मिड ऑफ और मिड ऑन का फील्डर यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से गेंद छूटेगी तो 4 रन के लिए निकलेगी। आगे निकले, ड्राइव किया सरफराज के पास, गेंद गई, सिंगल, सिंगल मिलेगा कोई बहुत फर्क नहीं है, लेकिन सिंगल डबल में तब्दील ना हो, डबल ट्रिपल में तब्दील ना हो, ट्रिपल कहीं कन्वर्ट ना हो जाए 4 में, इसी को रोकना होगा गेम स्विंगर्स की टीम को। लेकिन अंकित को धीरे धीरे सही सही शुरुआत मिली है तो आपको जीत दिला करके ही वापस आना होगा अपनी टीम के लिए। एक अच्छी पारी खेलते हुए कितने पर बैटिंग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज कुछ ही पलों में बताते हुए हमारे स्कोरर, थोड़ा समय है। अंकित कितने पर बैटिंग कर रहे हैं इस समय, 13 पर, 15 पर बैटिंग कर रहे हैं अंकित और तुषार। अंकित और तुषार ऐसे हैं कि आप जैसे किसी पंगत में बैठे हो खाना खाने के लिए, तो एक आदमी पूरी और भाजी लेके आता है लेकिन तुषार केवल चटनी लेके आते हैं, पापड़ लेके आते हैं, दो पूरियां खा लीजिए। लेकिन इस बार जाल में फंसाया, राजेश को बड़ा विकेट मिला, बड़ी मछली जाल में फंसी, फुल टॉस गेंद थी और गेंद को खेला था, क्या ये नो बॉल है, क्या ये नो बॉल है, फिर रन के लिए भागे थे, अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा, लेकिन यहां पर आउट होकर के जाना पड़ेगा अंकित को। बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी, बल्ले के निचले हिस्से में झाड़ में गेंद लगी, नियंत्रण नहीं रख पाए। आमतौर पे राइट हैंडेड बल्लेबाज है और आपको अगर अंडर हैंड क्रिकेट खेलना है, बोलना वैसे आसान होता है करना कठिन होता है, फिर भी तो आपका जो लेफ्ट पैर है वो आगे की तरफ झुकना चाहिए, टेनिस एल्बो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जो टॉप हैंड है वो आपका पॉपिंग क्रीज की तरफ झुकना चाहिए, यानी कि बॉलर की तरफ झुकना चाहिए, तब जाके आप नियंत्रण रख पाते हैं, अन्यथा हवा में आप खेल बैठते हैं। अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा, कितने रन हुए हैं, अंपायर क्या ये आउट और नो बॉल है या नो और आउट, तो एक रन टीम के खाते में जुड़ेंगे, अंकित को जाना पड़ेगा और टीम के खाते में एक रन जुड़ते ही इस समय रन संख्या हो गई है 24, 11 रनों की और आवश्यकता, बॉल अभी भी 2-2 go, 8 पे 11, यस सर नो है, इसलिए अभी भी 8 गेंद बची हुई है,
अंकित निराश होकर के वापस जाते हुए, अंकित लेकिन निराश मत होइए, नींद से क्या सिकवा जो आती नहीं, कसूर उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता। आपने तो प्रयास किया था कि बाउंड्री में कन्वर्ट कर दूं, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पे लगी और चली गई कवर्स के क्षेत्र में जहां पर रूल आउट होता है। आउट होकर के वापस आना पड़ा, लेकिन नए बल्लेबाज अब आए हैं सागर, किस प्रकार से साथ निभाते हैं तुषार का। यहां से एक विकेट जो गिरा है, क्या वापसी करेगी गेम स्विंगर्स की टीम, इसीलिए जानी जाती है, नाम ही है गेम स्विंगर्स। स्विंग करा देती है गेम को, जो इनके पाले में नहीं है, जो इनसे दूर जा रहा हो खेल, जहां पे इनकी हार नजर आती हो उसको ये जीत में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको जीत में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये करते हैं कन्वर्ट जीत में, तो हमारे स्कोरर आ गए प्रीत, अब स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे। क्लीन बोल्ड हुए या नहीं, आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा, गलत शॉट, आप आउट भी हुए, एक गेंद भी जाया किया आपने, डॉट किया, और गेम स्विंगर्स की टीम को आपने चढ़ करके खेलने का मौका दे दिया, उनके मनोबल को सातवें आसमान पर आपने पहुंचा दिया। 24/2, 2.5 ओवर के बाद 6 गेंदें 11 रन। बिल्कुल, जो टीम जीतेगी उसकी ट्रॉफी भी पक्की है और उसको अच्छा चांस भी है कि डायरेक्ट वो पहुंच जाएगी, जो हारेगी उसको चांस मिलेगा, लेकिन वो चांस मिलना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि आप एक हार झेल के आते हैं, अभी भी आप नहीं कह सकते कि ऑल स्टार्स की टीम के पक्ष में ये मैच नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है। आगे निकले, ड्राइव किया, और ये ड्राइव कहां जाने वाली है, 1 2 3 4 रन, बाउंड्री आती हुई। चाहे युद्ध भूमि हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, मेरे दोस्त राजेश जी बुरा मत मानना, लेकिन जब पीठ दिखा दिया किसी ने तो उसकी हार मानी जाती है। नजरें हटी, दुर्घटना घटी, निगाह आपकी हट गई। अगर आप सामने गेंद को फील्ड करने की कोशिश करते तो एक रन ज्यादा 2 रन में तब्दील होता, लेकिन निगाह हटी, पीठ लगाया आपने, गेंद आपकी पीठ से टकराई, उछली गई वाइडिस मिडॉन के क्षेत्र में, फील्डर थे लेकिन उनको भी गेंद ने चकमा दिया, गेसी मारे खा के बाहर गई 4 रनों के लिए, 28/2, 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 6/7 गेंदबाज हर्षदीप, सामने तुषार, 6/7 बनेंगे नहीं बनेंगे, धक धक करते हुए दिल लोगों के, और कुछ लोग अपने दिल को पकड़ लिए हैं। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, कुछ युवा साथी हैं वो अपने दिल की धड़कन को अलग महसूस कर रहे हैं, वो बातें अलग होती है, तो मैं केवल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो वैलेंटाइन डे का भी इंतजार करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका काम प्रेम पत्र से नहीं चला सर, उन्होंने शिवरात्रि को बेलपत्र से काम चलाने की कोशिश किया है, उनकी बात अलग है। मुकाबले में चले, यहां पर 5/6 प्लेयर्स के लिए समोसा ठीक कमेंट्री बॉक्स के बाई तरफ रखा गया है, जहां पे एबी किचनेट और सारी व्यवस्था की गई। इस बीच गेंद को खेला, सिंगल मिलेगा नहीं, 4 रन। सरफराज मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कहीं ना कहीं एक गहरी चोट है, एक सदमा है, दिल को लगने वाला एक धक्का है, कहीं ना कहीं वो आह निकली कि मेरे फील्डर ये क्या कर रहे हो। उत्साह बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभी भी 4 पे 2, 4 पे 2, 4 पे 2 क्या दो रन मत दो, देना है, बचाना है, बनाना है, संभालना है। तुषार मुस्कुराते हुए, इंजीनियर साहब हैं ये, रणनीति तैयार कर देते हैं, चाहे ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो या किसी ब्रिज का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो और जबरदस्त होते हैं। हर्षदीप की ये गेंद, सिंगल मिला, सही तरीका, स्कोर लेबल, मुस्कुराते हुए चेहरे, अंकित के मुस्कुराते हुए चेहरे, यहां पर तुषार के, और मुस्कुरा रही ऑल स्टार्स की टीम। सितारे आसमान में बिखर गए हैं, आसमान बिल्कुल खुला हुआ है, शबनम की बूंदें धीरे धीरे नीचे आ रही हैं, जिनको ओस कहा जाता है, जिनको ड्यू कहा जाता है, जैसे वो किसी घास के तिनके पर पड़ती हैं तो वो चमकती हैं मोतियों की तरह, वैसे चमक रही है टीम ऑल स्टार्स की। मुकाबला ऐसा नहीं लग रहा था कि इनके पक्ष में जाएगा, लेकिन मैंने वही कहा कि मैच है, कहीं भी घूम सकता है, लेकिन गेंदबाज को अभी भी एक गेंद कम से कम डॉट कराने की कोशिश करनी चाहिए।
फील्डिंग खराब और इस मुकाबले को जीत लिया। यहां पर सेलिब्रेशन ग्राउंड के बाहर ही करिए सर प्लीज आप लोग, क्योंकि समय कम है। मैन ऑफ द मैच इस मुकाबले के अंकित 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 करुणाकरण, इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच अंकित करुणाकरण जीत।